अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इरम। आपका? ईमान। दोनों क्या लगती हैं? मदर है मेरी। आप मदर हैं। मदर भी माशाल्लाह काफ़ी यंग है, मैंने कहा पूछ लूँ। आप क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। और आप? मैं रेडियोलॉजी स्टूडेंट। अच्छा, नाइस। मुझे ये बताएं कि आपने अपनी अम्मा से क्या सीखा है? मामा से। क्योंकि हाउस वाइफ है ना, होता है ना ऐसे बच्चियाँ जब बड़ी होती हैं तो उनको लगता है कि मामा को कुछ करना चाहिए था लाइफ में, लगता है आपको? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक मामा ने मुझे जीने के लिए हर वो चीज़ सिखाई है और जो मैं आज हूँ दैट इज़ बिकॉज ऑफ माई मदर। अच्छा, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि उन्होंने कौन सी ऐसी बात बताई जो हर मदर को अपनी बेटी को स्पेशली बतानी चाहिए? आई फील लाइक मेरे ख्याल में मेरी मदर ने जो मुझे बताया वो हर मुश्किल को आसानी से लेके फिर उसको गुजारना, ज़िंदगी हर माहौल में अपने आप को एडजस्ट करना। तो हर माहौल में आप एडजस्ट हो गई? मैं नहीं, मामा। हाँ, मामा हो गई एडजस्ट। मुझे यही काफ़ी ज़्यादा सिखाने की कोशिश की। मैं बहुत इमोशनल हूँ तो मेरे से ज़्यादा डील नहीं होता, मामा बहुत अच्छी तरह ये सब डील कर लेती हैं। आप इम्पल्सिव हैं, बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती हैं, तो आप फिर कैसे डील करती हैं? आपको तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ज़ाहिर है कल को आपकी शादी भी हो जानी है, तो फिर कैसे मैनेज करेंगी? ऐसी बात नहीं है, ये मेरे ख्याल में हम लोगों का कल्चर भी है और हम लोगों के पाकिस्तानी घरों का माहौल भी ऐसा ही है कि अपनी बच्चियों को दुनिया के साथ चलना भी सिखाएं और हर रिश्ते के साथ निभाना भी सिखाएं, क्योंकि यही कामयाब औरत है। अगर आप खुद कामयाब होंगी तो आपकी नस्ल भी आगे कामयाब होगी। ठीक है, तो आप इनको यही बातें बताती हैं कि हर माहौल में एडजस्ट हो। हर माहौल में नहीं अपने राइट्स जो हैं वो मिलने चाहिए, यानी अपने हुकूक को देखिए, उसको बताना भी चाहिए कि आप यहाँ पे गलत हो। तो अगर कोई इसका ये भी तो होता है ना कि अगर आप कोई गलत है और आपको बुरा लग रहा है तो बर्दाश्त भी तो ज़रूरी है। नहीं, बर्दाश्त तो नहीं सिखाया। कोई चीज़ अगर गलत हो रही है आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, बट इन अ वे कि क्या कहते हैं दूसरा ऑफेंड ना हो या मेरे पे क्या कहते हैं जंप ना कर देना, ये ऐसे बोल। आप रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का ख्याल करते हुए अपनी बात रखें, अपना मुद्दा रखें अपनी बाउंड्रीज़ में। कुछ चीज़ें होती हैं जो बड़ों की रिस्पेक्ट के लिए बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं, अगर वो बाउंड्री में है तो ठीक है, इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। चले, हमारा सवाल है वो कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर ये लॉ है कि एक टाइम में आपको दो लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी? करंटली पाकिस्तान में नहीं था। करंटली पाकिस्तान में ऐसा लॉ अभी पास नहीं हुआ। इसमें हुआ है ना यूरोप की कुछ कंट्रीज में, ये ऑलरेडी लॉ है कहीं पे, साउथ अफ्रीका। अच्छा, पाकिस्तान में वैसे ऐसा अगर हो जाता है तो आपको लगता है कि ये ठीक है कि एक जो शख्स है वो अगर इतना अफोर्ड कर सकता है तो कम से कम उसको तो करनी चाहिए ना दो शादियाँ? आई डोंट थिंक सो। नहीं, हमारे दीन में है ये। देखिए, अगर आप बीवियों को बराबर हकूक़ दे सकती हैं ना, लेकिन दे कोई नहीं सकता, क्योंकि कुरान में भी यही है। पहले ये है कि आप एक के साथ दो शादियों की इजाज़त है, लेकिन कहा गया फिर अगर ज़्यादा भी कर सकती हो, अगर आप बराबरी कर सको, फिर ये कहा गया कि एक ही बेहतर है। आई डोंट थिंक इस जनरेशन में कोई प्रॉपरली राइट्स दे सकता है एक वाइफ को दोनों साथ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अगर मैं अपनी सराउंडिंग्स की बात करूं और अगर आप भी अपनी सराउंडिंग्स में देखें, चाहे वो फैमिली हैं, फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं या वैसे रैंडम लोग हैं, तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन ऐसी देखी हैं जो बेवा हैं, तलाक़ याफ्ता हैं, एज उनकी बहुत ज़्यादा है और वो घर बैठी हुई हैं, वो या उन्होंने इतना अर्सा जॉब कर लिया है कि आप उनकी उम्र गुजर गई है, तो फिर उनका क्या होगा? उन आई एम विद इट, बट लेकिन उसी मौजू पे एक और चीज़, आई डोंट थिंक कोई इस तरह पूरे हकूक़ कर सकता है। अगर कर सकता है, अगर वो अफोर्ड कर सकता है, दोनों के राइट्स फुली दे सकता है, देन श्योर वाई नॉट। क्योंकि देखिए वो भी औरतें हैं जो बेवा हैं, कई बच्चियाँ जवानी में बेवा हो जाती हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, इसीलिए इस्लाम में इस चीज़ की छूट है। तो मेरे ख्याल में कि अगर आप कोई ये सब कुछ अफोर्ड कर सकता है मर्द, ऐसा नहीं है कि पहली को छोड़ दे या सिर्फ दूसरी पे फोकस दे या पहली पे दे, अगर बराबरी कर सकता है तो ज़रूर करनी चाहिए और ये औरतों को भी सोचना चाहिए एक दूसरे के। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू व्यूअर्स, आपने देखा कि बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने समझाया कि आप अपने राइट्स के लिए बात करें, लेकिन रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट का हमेशा ख्याल रखें और अपना मुद्दा बयान करें।